डिस्क्लेमर, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बेहतर है तो वो कर लो, क्योंकि ये वीडियो से खाक कुछ नहीं होने वाला। ये वीडियो उतना ही बकवास है जितना बकवास तुम अपने आंसर शीट्स में लिखते हो, लेकिन इतनी बकवास है कि इसका मैंने स्क्रिप्ट की फाइल का टाइटल रखा हुआ है डिश इट फायर सो फ्लश इट डाउन। लेट्स बिगिन। पॉकेटूबर्स आर बेटर देन पोकेमॉन भाजी वाला। मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि आखिर एक 12 साल का बच्चा अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, बट सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि रसोड़े में कौन था। मैंने तो बोला था कि हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस, ये मेरी लास्ट वीडियो है तो प्लीज सब्सक्राइब। बट इस बकवास के बाद भी मैं वापस क्यों आ गया, मुझे बस इतना बताओ कि इस एनिमेटेड कैरेक्टर की शक्ल देख के तुम्हें लगता है कि इसका कोई काम होगा? तो मैं कहीं और गया था, मैंने सोचा पढ़ाई तो मेरे से होने से थी तो वीडियो ही बना लेते हैं। बाय द वे, ऐश ने एनिमे छोड़ दिया और आधा इंटरनेट डिप्रेशन में चले गया था, तो मैं कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, कुछ व्हाई नॉट। और वो टॉपिक तो तुमने टाइटल में पढ़ लिया होगा क्योंकि तुम वरना क्लिक क्यों करते। मैं कहता हूँ पॉकेटूबर्स आर बेटर देन पोकेमॉन भाजी वाला, मेन रीजन स्कारलेट एंड वायलेट का ये मैप वाला हिस्सा। अगर तुम 5 साल के बच्चे नहीं हो तो तुम्हें पता होगा कि ये डीएलसी होने वाला है। अब जैसा हम पोकेमॉन कंपनी को जानते हैं, वो कुछ बिल्कुल ही जीरो रिलेशन वाला डीएलसी लॉन्च करेगी, जैसे कि द पेनिनसुला ऑफ पावर, द भाजी मंडी ऑफ भिंडी, क्योंकि स्वॉर्ड एंड शील्ड में भी कुछ ऐसा ही बकवास हुआ था। बट यूट्यूबर्स ने इतनी मस्त थ्योरी बनाई है इसके बारे में, वो कहते हैं दिस एरिया इज कैलोस, ये जो हेक्सागोनल लेजेंडरी था वो ज़ाइगार्ड था जो कि टेरेस्ट्रियल एनर्जी करता है, ज़ाइगार्ड इकोसिस्टम के थ्रेट को डिस्ट्रॉय करता है। पैराडॉक्स पोकेमॉन और जो थर्ड लेजेंडरी है जो डीएलसी में प्रोबेबली आएगा वो इकोसिस्टम के लिए थ्रेट है एंड ज़ाइगार्ड उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा। एंड ये भी जो एजी वो किंग है जिससे ये सारे अजीब गिफ्ट दिए थे वो जो श्राइन लेजेंडरी बने हैं। एंड अब मैं इतनी जल्दी बोल चुका हूँ कि एमसी स्टैंड की हस्ती वाली बस्ती में रहने वाली सुजन वॉकी टॉकी यूनिचि मसूडा को बोलेगी भाई तेरा पोकेमॉन वाला बहुत बकबक कर रहा है, जरा इसको टर्मिनेट करवा दो। वीडियो का पॉइंट क्या था, ये डॉट एक ऐसा डॉट है जिसको दबाओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम अपने लाइफ का वैल्यूएबल टाइम अपने इस वीडियो पे वेस्ट कर चुके हो। ये वीडियो बहुत ही डट्टी था, तो तुम्हें जो करना है करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, मेरे मुंह पे दो चाटे एंड बाय।